students assalamu alaikum i hope you all are fine this is chemistry class for grade 9 and we are doing chapter number 6 and the topic is solutions

है वो गैस भी हो सकता है वो सॉलिड भी हो सकता है सो सोल्यूशन कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन एनी वन ऑफ दीज़ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इसलिए जो उनसे बनने वाले सोलूशन हैं वो भी इनमें से किसी भी स्टेट में हो सकते हैं और जो फिजिकल स्टेट है सोल्यूशन की यानी जो अपेयरेंस है वो डिपेंड करती है कि सॉलमेंट क्या है अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस की फॉर्म में होगा और अगर सॉल्वेंट uh, sol जो है वो सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड की फॉर्म में होगा सॉल्यूशंस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये टेबल है इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली ए, समझ लें कि ये इसमें आप देखेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है सेलूट दिया हुआ है और सॉल्वेंट का कॉलम है और स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सोलूशन है और आपने ये गौर करना है कि जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी वही सोल्यूशन की स्टेट होगी जैसे गैस इनटू गैस सॉल्वेंट गैस है तो सोलूशन भी गैस में है गैस इनटू लिक्विड है तो सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन भी लिक्विड की फॉर्म में है गैस इंटू सॉलिड तो सॉलिड की फॉर्म में अगर सॉलवेंट है तो वो सॉलिड uh, ही सोलूशन होगा इसी तरह आप इस पूरे टेबल में देख सकते हैं और आप आराम से बता सकते हैं कि कितने नाइन टाइप ऑफ सोल्यूशन बनते हैं uh, तीन गैस के साथ तीन लिक्विड के साथ और तीन सॉलिड के साथ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ तीनों के साथ और जो सॉल्वेंट की uh, जो सॉल्वेंट की नेचर है वही सॉल्यूशन की नेचर होगी यू कैन ऑब्जर्व इन दिस टेबल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल यू हैव टू लर्न इट